बच्चे को गुस्सा आया तो मम्मी पापा ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। देखिए, गुस्सा आना या रोना ये बच्चों ने पहले से सीख लिया है, ये लर्न फेनोमेना है। एक्चुअली रोना या लर्न फेनोमेना नहीं है, रोना तो ऑटोमेटिकली है वैसे देखा जाए तो, मगर रोने के बाद में कुछ मिलता है ये सीख गया है बच्चा। कैसा? जन्म से वो बच्चा रोता है, उसको सिखाया जाता नहीं, रोता है, रोने के बाद में माँ उसको दूध पिला दी है, तो उसको धीरे 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 कंडीशनिंग हो जाती है कि भाई मैं रोया तो मुझे जो चाहिए वो मिलता है। मतलब बच्चा रोता है, उसको भूख लगती है, रोता है, वो ऑटोमेटिक है, दूध देती है, भूख ठीक हो जाती है, रोया तो उसको लगता है कि दूध मिलता है, रोया कि दूध मिलता है, तो उसको मालूम है कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं रोया तो मुझे वो चीज़ मिल जाती है। अब ये लर्न फेनोमेना है, सीखा हुआ फेनोमेना है, और वैसे ही गुस्से का है। जब बच्चा रोता है या गुस्सा करता है फिर आप बोलते ठीक है दे दो भैया उसको जो देना चाहिए, मतलब जो मांग रहा हो दे दो, तो आप दे देते उसको, तो उसको मालूम पड़ रहा है कि अपन ने रोए तो अपने को जो चाहिए चीज़ वो मिल जाती है। आपने क्या करना है समझो, अभी आप माँ बच्चे को लेके जा रही है बाजार में या मॉल में है या कहीं भी है, और वो कहीं देखता है, डॉल देखता है या टॉफी देखता है या चॉकलेट देता है, वो उसको चीज़ चाहिए कुछ, तभी बोलता मुझे मम्मी मम्मी मुझे वो चीज़ चाहिए, मम्मी बोलते नहीं अभी नहीं खरीदेंगे, फिर वो रोएगा धोएगा चिल्लाएंगा नीचे बैठ जाएगा रास्ते पे बैठ जाएगा हाथ पैर झाड़ेगा, फिर लोग आजू बाजू के देखेंगे तो मम्मी को लगता है कि जान दो भैया उसको दे दो एक बार का, और फिर उसको वो दे देती है। उससे क्या होता है, वो सीख जाता है कि मैंने ऐसा रोया धोया चिल्लाया चिखा फिर अपने को चीज़ मिल जाती है। मम्मी ने क्या करना चाहिए, पापा ने क्या करना चाहिए, बोला तेरे को जो करना है वो कर, जितना चिल्लाना है उतना चिल्ला, एक बार नहीं बोला है आपको चीज़ मिलेगी नहीं, और अपना दिमाग शांत रखना है मम्मी पापा ने। उसको मालूम पड़ेगा कि रोने धोने से कुछ होता नहीं, वो चीज़ मिलती नहीं है, जब उनको चाहिए तब दे देंगे। उसको बोलना है बच्चों को कि आप डिमांड करो, आपकी डिमांड की पूर्ति हो जाएंगी मगर तुरंत नहीं होगी। इससे क्या होगा, इससे बच्चे का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ेगा, मतलब धीरज रखना वो सीख जाएगा और धीरज रखेगा। तो जब भी कोई चिल्लाता चीखता है तो उसकी जो डिमांड है वो पूरी करने का नहीं है, शांति रखना है, वो शांत हो जाएगा, बाद में उसको जो प्रॉमिस करना है वो प्रमोद जब लेके देना है तब लेके दो मगर अभी नहीं। नंबर दो, उसको जब भी चिल्लाएंगा गुस्सा करेगा, समझो टीवी देखना है उसके लिए गुस्सा किया या मोबाइल के लिए गुस्सा किया है चिल्लाया, और वो बहुत हाई है, अब मम्मी भी उसके ऊपर बहुत हाई हो रही है, पापा भी उसके ऊपर बहुत हाई हो रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, वो भी चिल्ला रहे, वो भी बच्चा भी चिल्ला रहा है, और फिर क्या हो जाएगा, वातावरण घर का बिगड़ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा वो हाई हो गया है, दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि वहाँ से निकल जाना। समझो मम्मी है वो टीवी के सामने बच्चा बैठा हुआ है और वो बोलता है कि मेरे को टीवी देखना है, मोबाइल चाहिए, रोना धोना चालू किया, चीखना चालू किया, मम्मी ने उठ के और कमरे में चले जाना। अपना दिमाग शांत रखना है, क्योंकि मम्मी ने भी समझो अभी चिल्लाना चालू किया, अपना दिमाग मम्मी ने भी गर्म कर दिया, डैडी ने भी गर्म कर दिया, तो दोनों वो भी हाय है ये भी हाय है, तो उससे कुछ निकलने वाला है नहीं, तकलीफ ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो नंबर दो, वहाँ से निकल जाना, अटेंशन देने का नहीं, ध्यान देने का नहीं। नंबर तीन, ये देखो कि उसको कुछ भूख प्यास लगी है क्या, बच्चे को हो सकता है कि उसको भूख लगी है तो बच्चा मालूम बोल नहीं सकता कभी कभी कि भूख लगी है तो वो रोता है या गुस्सा करेगा, प्यास लगी है गुस्सा करेगा रोएगा, या नींद आ रही है, तो हमको ये भी सेंसिटिविटी हमारी रखना चाहिए कि भी उसको भूख प्यास नींद इसकी ज़रूरत है क्या, और फिर उसके लिए उसको जो भी वातावरण देना है नींद के लिए वो दे सकते हैं, भूख प्यास लगी है तो वो पानी खाना पीना दे सकते हैं उसको, ताकि उसका जो रोना है या चिल्लाना है या गुस्सा है वो कम हो जाएगा। पीछे आ रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है गुस्सा करता है तो मम्मी ने पापा ने क्या करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उल्टी गिनती करना चाहिए, उल्टी गिनती करके अपना गुस्सा शांत करो। समझो अभी 30 से 1 तक उल्टी गिनती करना है, 30 29 28 आराम आराम 27 26 25 जब तक अपना गुस्सा कम नहीं हो तब तक, क्योंकि आप अपना गुस्सा कम करेंगे वो गुस्सा करते रहेगा बच्चा, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। तब वो कर सकते हैं अपनी उल्टी गिनती करो, अपना दिमाग शांत रखो, अपन ने उसके ऊपर चिल्लाना चालू करना नहीं है। फिर पांचवा, भावनिक और शारीरिक सजा बच्चे को देने की नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करना, तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, या तू ऐसा करेगा तो फिर मतलब बच्चे को माँ बोलती है कि क्यों मैंने पैदा किया ऐसा बच्चा, या तू ऐसा करेगा तुमको हॉस्टल में डाल दूंगी, ऐसा करेगा तेरा तंगी तोड़ डालूंगा, ऐसा डैडी बोलता है ना, मार दूंगा तेरे को, छोड़ देंगे कहीं पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसा कुछ भी उसको भय बताते हैं,
और उसको मालूम नहीं पड़ता पुलिस के हवाले करना मतलब क्या करना है, छोड़ देंगे जंगल में मतलब क्या करना, और होता क्या है मालूम उसको कुछ तो डर लगता है, डरा हुआ इंसान बन जाता है, या फिर उसको समझो बोला कि मैं हॉस्टल में डाल दूंगी तो उसको एक मतलब अपनी अनवांटेड चाइल्ड की भावना हो सकती है कि मैं ये घर में अनवांटेड हूँ, वो भावना हो सकती है। तो ऐसा उसको कुछ भी बातें बताना नहीं, कुछ बोलना नहीं है कि डालना है हॉस्टल में डालो, मगर वो रिएक्शन है इसलिए मत डालो, कि आपकी रिएक्शन ऐसा कर रहा है इसलिए हम हॉस्टल में डालेंगे, ऐसा मत करो, या फिर तेरे को कमरे में बंद करके रखेंगे, या भी तेरे से बात नहीं करेंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, मतलब ऐसा उसको वो जब हाय है तब ये कुछ भी करना नहीं है। जब भी कभी बच्चा हाय है तब अपना दिमाग शांत रखना है, और फिर जब शांत हो जाएगा तो उसको लेके बैठना, और फिर जो भी बिहेवियर नहीं चाहिए उसके बारे में चर्चा करना है कि तू अच्छा है, तेरा बिहेवियर जो है उससे वाला वो ठीक नहीं है। अभी हमको बिहेवियर के ऊपर अटैक करना है, बच्चे के ऊपर अटैक नहीं करना, तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि तू जो जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, वो हमको ऑल्टर करना पड़ेगा। जिस तरह से वो तू रोना धोना करता है, चिल्लाता है, मारपीट करेगा, धिंगाना करेगा, तो वो हमको बंद करना है, वो नहीं चलेगा। तो उसको समझाना है, कड़क शब्दों में बोलना है, और फिर उस समय जब शांत है तब सजा कौन सी मिलेंगी उसके बारे में चर्चा करनी है। सजा रिएक्ट में नहीं, कि जब हाई है तब नहीं बोलना कि तेरे को ऐसा करेंगे, शांत है तब कि देख ये ऐसा ऐसा अभी तेरे को ये सजा मिलेंगी तो ऐसा करेगा, तो कंट्रोल नहीं कर सक रहा है तेरा गुस्सा, ये सजा होंगी, तो ये हम कर सकते। छठवा, नो एंगर डे, हम ये कर सकते कि नो एंगर डे। नो एंगर डे मतलब एक दिन ऐसा है कि घर में कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से गुस्सा नहीं करेगा, सो नो एंगर डे। या फ्री एंगर टाइम, फ्री एंगर टाइम मतलब ऐसा है कि दोपहर को खाने के समय या रात को खाने के समय कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो फ्री एंगर टाइम है। नो एंगर डे है, वो हम पालन कर सकते हैं और अपने आप को एंगर से कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चा भी जो है वो भी गुस्सा कम करना सीखेगा, मतलब उसका गुस्सा कम हो जाएगा, अपना भी गुस्सा कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको टिप बताई, आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं कि भाई हमको गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा मैं कैसा कंट्रोल करूँ, और बच्चे का गुस्सा कैसे कंट्रोल करना, ये भी पूछते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।